Hello, students of class 10. Today we are going to start a new chapter in trigonometry, height and distance. Bada unique chapter hai. Agar is chapter ko aap theek tarike se padh lete ho, samajh lete ho, to ek chamatkari पर्सन बन जाओगे. इसलिए कि आप त्रिकोणमिति का यूज कर बिना किसी टावर पर चढ़े हुए उसका हाइट निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. यह भी तो एक मिराकुल है. तो हम ये कर कैसे सकते हैं, चलते समझते हैं कैसे करेंगे. इसे समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स है इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस, उसको आप समझ लीजिए. एक टर्म लिखा हुआ है पर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब टर्म्स इसमें आता है. तो पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? एनी इमेजिनरी लाइन. ए इमेजिनरी लाइन विच इज पैरेलल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. एन इमेजिनरी लाइन विच इज पैरेलल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. कोई भी एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन, यह लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन. कब होगा ये? अर्थ सर्फेस है, अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस. कोई भी इमेजिनरी लाइन है वो पैरेलल है सरफेस ऑफ द अर्थ. दैट लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे. ये पैरेलल है सरफेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, पैरेलल है ये दोनों. तो आप कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है. नेक्स्ट आपका है वर्टिकल लाइन. ये वर्टिकल वर्टिकल लाइन. तो वर्टिकल लाइन क्या होता है? ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के सरफेस पर कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं. वर्टिकल लाइन एग्जाम्पल हो गया तुमको, ये वर्टिकल लाइन है, ये लाइन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है. एग्जाम्पल में आपका बहुत सारे हैं, हॉरिजॉन्टल आप समझ गए हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट ये चीज परपेंडिकुलर इरेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस या ग्राउंड जमीन है, परपेंडिकुलर उस पर स्टैंडिंग होता है, वो वर्टिकल लाइन कहेंगे उसको. ये हाइट एंड डिस्टेंस में इस चैप्टर में एग्जांपल हो गया आपको ट्री, टावर, बिल्डिंग, ये सब के, ये सभी का हाइट को आप वर्टिकल लाइन मानेंगे, समझे, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, वर्टिकल लाइन हो गया. अब है ऑब्जर्वर, और अब आपका है ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर किसको कहते हैं?
who the person who look at something, the person who look at something is called observer. A person who look, person who look at something, look at something, something is observer. A person who look at something is observer. Object kya hai? The something, कोई भी चीज, at which the something which the observer look at, observer look at the something which the observer, something which the observer look at is called object. उसको object कहते. अब है आपका line of sight. अब line of sight क्या है? तो देखते हैं, समझिए. थोड़ा figure draw करना पड़ेगा. Figure draw करना पड़ेगा. Line of sight क्या है? तो अभी यह बात चल रहा था vertical line और horizontal line. एक building है. यह एक building है. लग रहा है building है या नहीं है? नहीं लगता होगा. ऐसा building होता है. लेकिन है. यहाँ मान लिया गया. अभी बता, यह एक बिल्डिंग है और यह ग्राउंड है, जमीन अर्थ. ये हो गया. यहाँ आप इसको एच लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन भी मान सकते. तो ये बिल्डिंग है, ये भी लाइन हो गया वर्टिकल लाइन. अब यहाँ दो सिचुएशन है. मान लीजिए ये आपके घर का छत है और घर के आगे ग्राउंड है. आप इस बिल्डिंग के आगे यहाँ पर स्टैंडिंग है. यहां पर राम है. और यहां पर श्याम है. दोनों फ्रेंड है. राम यहां जमीन पर है. यह इसको यहाँ आने के बाद यह श्याम को पुकारता है, खेलने जाना है. ठीक है. तो श्याम छत पर है तो यह क्या करेगा? श्याम को आंख घुमाकर ऐसे देखेगा, देखेगा तो श्याम यहां नजर आएगा. कौन देख रहा है? राम. ठीक है. तो राम यहां ऑब्जर्वर है. राम ऑब्जर्वर है. श्याम ऑब्जेक्ट है. राम यहां ऑब्जर्वर है. श्याम ऑब्जेक्ट है. चलो घर श्याम को नहीं देखना.
घर ये बिल्डिंग थोड़ा वीक है, ऊंचा भी है। अरे बड़ा ऊंचा बिल्डिंग है, जरा इसका टॉप को ही देखो, इसका टॉप है हम ऑब्जेक्ट होगी, घर का टॉप जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो देखता है, ऑब्जेक्ट जिसको जिसको देखता है, तो यहां ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऊपर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख ऐसे घुमाएगा। तो ऑब्जर्वर के आंख यहां पर ऑब्जर्वर आई है और ऑब्जेक्ट पर कोई पॉइंट, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है इसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, द लाइन विच ज्वाइंट द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू ए पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, यह लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, अब ये सिचुएशन चेंज हो सकता है, समटाइम्स ऑब्जेक्ट में भी ऑन ग्राउंड, समटाइम्स ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर में भी एट टॉप ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। आप ऑब्जर्वर है, यहाँ घर के आगे गली है, कभी कभी कुछ घटना घटता है, बारात जाता है, लोग बड़ा डांस वांस करते जाता है, आवाज़ सुनते हैं तो आप घर के छत पर से डाउन देखने लगते हैं, तो आप देख रहे हैं, तो जिसको देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, तो आपको अपना आँख ऐसे घुमाना पड़ेगा नीचे की वस्तु को देखने के लिए। तो आप यहाँ ऑब्जर्वर हो गए, जो जिसको देख रहे हैं नीचे डाउन ऑब्जेक्ट को, वह डाउन चीज को थिंग को ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर का आँख यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ कैलिब्रेशन, एंगल ऑफ कैलिब्रेशन, एंगल ऑफ कैलिब्रेशन है, एंगल ऑफ कैलिब्रेशन क्या है, अब ये समझ गए हो तो एंगल ऑफ कैलिब्रेशन समझ में आएगा। एंगल ऑफ कैलिब्रेशन वो या कोई बिल्डिंग टावर कुछ भी हो, और ये वो भी ग्राउंड है, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ कोई व्यक्ति पर्सन है, यह यहाँ से इस बिल्डिंग का इस टावर के टॉप को देखना चाहता है, क्या करेगा, अपनी आँख को ऊपर उठाएगा, घुमा देखने के लिए, तो घुमाएगा, ये हो गया लाइन साइड, तो ये अपनी आँख को क्या करेगा, ऊपर की ओर घुमाएगा, तो ये लाइन ऑफ साइट, और ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, अरे इसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो है ना, ऑब्जेक्ट इज
अबव द ऑब्जर्वर. सुनिएगा बढ़िया से. एंड द ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर. जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से ऊपर हो तो क्या होगा, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखने के अपना एंगल को एलिवेट करना पड़ेगा ऐसे ऊपर. तो द एंगल बाय विच एन ऑब्जर्वर रोटेट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, द एंगल बाय विच एन ऑब्जर्वर रोटेट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ. ये भी अगर आप इसको आप ये मानते हैं कुछ थीटा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ हो गया थीटा. इसी को कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर. आप दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. When object is above the observer, the angle between horizontal line and line of sight is called angle of elevation. ठीक है, तो ये angle of elevation हो गया. अब चलिए angle of depression अंतिम. इतना understand करने के बाद ही आपको height and distance समझ में आएगा. ठीक है, तो आपका हो गया दूसरा सिचुएशन है. अब ऑब्जर्वर यहाँ ऊपर है, ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे में डाउन है. हाँ, सिचुएशन चेंज कर गया. ऑब्जेक्ट here is object. अब when object is below the observer, line of sight joining object and observer, ये line of sight हो गया. ये the line joining object and observer, line of sight है. तो अब यहाँ observer ऊपर है, तब हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होगा इसमें? अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होगा? तो आप याद रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. तो यहाँ पर ऑब्जर्वर यहाँ था, नीचे था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसके आँख से यहाँ गुजर रहा था. अब ऑब्जर्वर ऊपर है, आई उसका यहाँ होगा, तो आँख उसके आँख से गुजरने वाला इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन एच लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन एच लाइन. अब क्या करना पड़ेगा ऑब्जर्वर को, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ही विल हैव टू रोटेट हिज आई सम एंगल बाय सम एंगल फ्रॉम द ओरिजिन. व्हेन नाउ ऑब्जर्वर इज अबव द ऑब्जेक्ट, ही हैज टू रोटेट हिज आई डाउनवर्ड्स. Then the angle by which the observer rotates his angle from horizontal to see the object, the angle is called angle of depression. ये यहाँ था angle of elevation. अब यहाँ क्या होगा, अब डाउन घुमाना पड़ा. हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ था, अब आँख से
वो इधर इतना घुमाना पड़ेगा, ये हो गया एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझ गए। तो आप देखिए एक चीज गौर कीजिए, हम क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये ग्राउंड है, ये ट्रांसवर्सल है, देन दिस एंगल आल्सो बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू दिस लाइन, ट्रांसवर्सल है, पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता। अब इतना समझ लिए तो आप सम बना सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर का। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, और सब फॉर्मूला ही लगेगा जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिए हो पीछे, वो सब ही लगेगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है, एक चीज और देखते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर अगर कोई ट्रिंगल में कोई दो साइड या एक साइड और एक एंगल मालूम हो तो आप ऑल अदर साइड्स और एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो। पढ़े पीछे अब सपोज कीजिए हम ये सब कंसेप्ट यूज करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, इसलिए बोल रहे हैं ये एक ट्रिंगल है, राइट ट्रिंगल है, और ये एंगल थीटा है, नहीं एक एंगल मालूम हो गया, एक एंगल मालूम, वन एंगल इज नोन, वन एंगल इज नोन एंड वन वन साइड दिस साइड इज नोन, बी सी एक्स दो साइड मालूम, सॉरी एक साइड और एक एंगल मालूम, तो आप रिमेनिंग टू साइड्स को कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो। बाय ट्रिगोनोमेट्री देखिए आप कौन सा चाहते हो, लेट यू वांट टू नो हाइट ए बी, ए बी आप कैलकुलेट करो, इजीली कर सकते। आपको क्या करना होगा, नोन एंड अननोन में आपको टीआर लिखना होगा, नोन और अननोन साइड में टीआर लिखना। तो नोन साइड क्या, दिस इज नोन, दिस वन इज अननोन, दिस साइड इज अननोन, दिस साइड इज नोन। अब हम देखेंगे कि फॉर दिस एंगल, फॉर दिस एंगल ये दोनों साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपो है, क्या है। तो फॉर एंगल थीटा दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड इज बेस, तो परपेंडिकुलर बेस है, एंगल थीटा है परपेंडिकुलर बेस मालूम है। आप परपेंडिकुलर बेस में कौन टी आर जानते हो, टाइम काउट, तो हम यूज करेंगे टाइम, टेन यूज कर, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी,
AB by BC. Tan theta is equal to AB by BC. ठीक है. तो AB कितना हो गया आपका? BC tan theta. That is x tan theta. आपको x मालूम है? ये क्या कहते हैं? Theta मालूम है? आप दोनों का वैल्यू डाल करके अभी कैलकुलेट कर सकते हैं. बड़ा इजी है. सपोज कीजिए कि x का मान 5 मीटर है. थीटा कितना है? थीटा क्या कहते हैं? 60 डिग्री. तो इसका वैल्यू हम डाल देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपको 5 × 10 60 डिग्री, 5 × √3, 5√3. ये भी मिल गया, ये भी आपका कैलकुलेट हो गया. ठीक है. तो आपको किसी ट्रिगनल में अगर दो चीज मालूम है तो आप थर्ड को निकाल सकते हैं. आप इसी भी यहाँ निकाल सकते हैं. तो यहाँ फोर थीटा ये इन राइट ट्रिगनल जैसी भी हाइपोटेनिस है. आप हाइपोटेनिस लोन ये साइड हो गया. क्या रिलेशन है बेस में? तो आप कॉस थीटा इज बीसी बाई एस. बीसी बाई एस तो बीसी एसी आपका कितना हो गया? बीसी बाई कॉस थीटा. हम बीसी को हाँ मान लिए थे, कहे थे कि 5 डीसी एस से 5 बाई कॉस 60. कॉस 60 तो कॉस 60 कितना होता? कॉस 60 इज हाफ. कॉस 60 इज हाफ. ठीक. टेन टेन मीटर. ये कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा हाइट एंड डिस्टेंस में. इसको बहुत समझना है. समझ लीजिए, बता दे रहे हैं. इसी पर बेस्ट कैलकुलेशन होगा. बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जो समझा रहे हैं. ठीक है. तो आप निकाल सकते हैं इफ टू थिंग्स टू वेरिएबल्स आर नोन इन ए राइट ट्रायंगल यू कैन कैलकुलेट द अदर्स. ठीक है. तो क्लियर है. जो समझाने का था समझा दिया. अब तुम्हारा काम. ठीक. अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज जो बता दिखे यहाँ पर 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है. क्वेश्चन फर्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन है. कहता है ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप. ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड. टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट
and died from the top of a vertical pole. From the top of a vertical pole, to the ground. Find the height near the pole. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is, if the angle made by the rope with the ground is इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है ठीक है तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए थोड़ा देर देख लीजिए एक सर्कस आर्टिस्ट है 20 मीटर लॉन्ग नो विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम ए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल If the angle made by the rope with the ground is 30 degree. तो आपको height and distance का सम तभी बनाइएगा जब आप figure draw कीजिएगा correctly, clearly. ठीक है तो अब हम इसको clean कर लेते हैं ऐसे यहाँ पर So according to the information given in question, withdraw figure and write data. पहले इतना कीजिए। तो हम ये देखिए हैं एक vertical pole लिया। और ये ground level है। इस वर्टिकल पोल से 20-20 मीटर लॉन्ग रोप यह 20 मीटर लॉन्ग विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट टॉप ऑफ वर्टिकल टावर तो यहाँ से ये जो ये रोप जो 20 मीटर लॉन्ग लगता है 20 मीटर 20 मीटर लॉन्ग ठीक अरिया जमीन से ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है आपको बताया पहले शुरू में वर्टिकल पोल बिल्डिंग टावर ये सब वर्टिकल होता है वर्टिकली अपसेंडिंग डायरेक्ट होता है ऑन दी ग्राउंड राइट एंगल ये एंगल राइट ये राइट एंगल होता है तो लेफ्ट यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट करना ज़्यादा लिखना नहीं है लेफ्ट एक्सी और एंड एसी इज
centimeter long. S is rho. S is क्या है? ये है. S is दिया हुआ आपका 20 meter. Angle दिया हुआ ये वाला. Angle C मालूम 30 degree. बेरी जी ऐसा एग्जांपल अभी आपको हम दे दिए अभी दिए और उससे ही आप इसको बनाइए तो कैसे बनाएंगे अभी बताएं आपको सॉल्व करें तो नॉन यहां पर नॉन क्या है एसी नॉन क्या है एसी क्वेश्चन नंबर 1 है नॉन क्या है एसी निकालना जो है नॉन ये नॉन है अननोन ये अननोन वेरिएबल पोल ये पोल है तो तीन चीज एंगल नॉन अननोन साइड ये तीनों में कौन सा टीआर रिलेशन फिट बैठेगा ये सब को सोचना यू हैव टू थॉट सोचना आपको देखिए फॉर दिस एंगल ए बी परपेंडिकुलर एसी बीसी है बेस एंड एसी हाइपोटेन्यूज तो आपको तो इसमें इसमें करना तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में आपको रिलेशन लाना है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या आता है साइन इन ट्रेंगल एबी सी साइन इसका साइन 30 डिग्री ये एंगल फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर ये है एबी हाइपो एस सी आप साइन के डिग्री का मान जानते हैं हाफ होता है ये हाफ हो गया ए बी ए सी ट्वेंटी है ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्वेंटी टेन मीटर टेन मीटर हो गया आपका तो थोड़ा केयर करने के बाद आप इसको इजीली बना सकते हैं तो दो तरह का क्वेश्चन इसमें आपको आएगा इसमें वन ट्रेंगल और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वह आपको आएगा डबल ट्रेंगल वाला ठीक है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है सिंगल ट्रेंगल वाला है सिमिलरली दिस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक क्वेश्चन हम आपको 5 से बता देते हैं 6 सॉल्व कर देते हैं अगर 6 सॉल्व कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं चलिए कर लेते हैं
personality. फिगर बनाना बहुत मस्त है इसमें सही फिगर तो आइए फिगर देखते सपोज कीजिए एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है देखते और एक क्या है दूसरा बिल्डिंग एक बिल्डिंग है यहाँ पर आने से ये बिल्डिंग यह बिल्डिंग एक ग्राउंड एक लड़का है ये व्यक्ति लड़का बाय स्टैंडिंग हियर
तो हॉरिजॉन्टल ये यहां बॉय है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसके आंख से गुजरेगा तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ये लीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस बॉय का हाइट है 1.5 मीटर ठीक है थर्टी मीटर यह बिल्डिंग है मान लेते हैं कि यदि एक एरिया बिल्डिंग है और इसका हाइट है थर्टी मीटर यहाँ ये और ये सिटी बॉय है यहाँ से ये इसके टॉप को देखता है बिल्डिंग के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री अभी बताया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है कि ये लड़का जो है बॉय है बिल्डिंग की ओर कुछ दूर जाता है उसका अर्थ बिल्डिंग यहाँ से इधर आता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़कर 60 हो जाता है 60 डिग्री से इंक्रीज कर 60 हो जाता है तो मान लेते हैं कि सीडी बाद ये आ गया ई एफ पर तो ई एफ ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल इसका तो ये आपका एलिवेशन हो गया अब यहाँ पर क्या है कि तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री आप एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे सोच रहे समझ रहे देखो बड़ा है ये भी बिल्डिंग है सी डी पर बॉय 1.5 मीटर टॉल है ए बी बिल्डिंग 30 मीटर है हिंदी बॉय एट सी डी इस पोजिशन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग 30 वह सी से इधर बिल्डिंग की ओर आता है इतना डिस्टेंस जी सी यानी जी सी आपको निकालना यहाँ आ गया तो इसका पोजिशन हम लिखते हैं जी एफ एफ से यहाँ से इसका एलिवेशन है 60 डिग्री यानी पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस बैक टुवर्ड द बिल्डिंग ये लड़का बिल्डिंग की ओर कितना चला वह निकालना है तो आपको जी सी निकालना है जी सी ठीक है तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है नोट लिखिए तो क्वेश्चन आपका अब हम क्लियर कर देते हैं ये ध्यान देंगे जैसे ज्योमेट्री ए बी बी बिल्डिंग ए बी बी बिल्डिंग बिल्डिंग सी डी सी डी एंड जी एफ
जीएफ और टू पोजीशंस, टू पोजीशन ऑफ जी बॉय और सीडी जीएफ लड़का की दो स्थिति है, पहले सीडी यहाँ था उसके बाद यहाँ हो गया। सीडी जीएफ जीएफ में हो गया सीडी जीएफ टू पोजीशन है, ये हो गया 135। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर कैलकुलेशन उतना नहीं करना, फिगर क्लियरली बी जी एफ और सी डी तीनों और विल बी 1.5 मीटर, सब इतना हो गया, समझे? ए भी दिया हुआ है 30 मीटर, ए आप कैलकुलेट करो, ए इज इक्वल टू ए बी माइनस बी 30 माइनस 1.5 1.5 28.5 मीटर, ये ए ही हो गया आपका। ठीक है, बस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सब फिगर में दिख रहा है, लिखना नहीं अपना। अब आइए, अब यहाँ देखिए दो टेंगल है, पिछला फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि उसमें एक टेंगल था, अब ये दोनों टेंगल के मदद से हमको जो रिक्वायरमेंट है उसको प्राप्त करेंगे। तो देखो इन टेंगल ए ई एफ 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको कैलकुलेट करना है ई एफ, खास जरूरत है ई एफ को, आप डी कैलकुलेट कीजिएगा उसमें ई एफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका डी एफ निकल जाएगा और डी एफ इक्वल सी डी होगा, वो आपको मिल जाएगा, बस एक करना है। तो आप कीजिए, देखिए इन ट्रेंगिल ए ई एफ, इन ट्रेंगिल ए ई एफ, ए और ई एफ में रिलेशन स्टेब्लिश कीजिए, तो 4 एंगल 60 डिग्री, दिस टू आर परपेंडिकुलर ये बेस, तो आप 10 60 डिग्री अप्लाई कीजिए, 10 60 डिग्री ए आपका हो गया √3 √3, ए नहीं मालूम है उसको रहने दीजिए, ई एफ भी नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं, ई एफ आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका √3 ई एफ, √3 ई एफ नंबर 1 इक्वेशन, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, स्टॉप कीजिए। अब आपको क्या करना, अब दूसरा ट्रेंगल यूज करना, इन ट्रेंगल ये वाला ए ई जी, इसमें आपको है ये क्या नाम है, ये जो है ए और इसका दूसरा साइड ये हुआ बेस हुआ ई जी 30 डिग्री, इसमें भी आप थोड़ा सा कर लीजिए, ये इसका वैल्यू दे दीजिए आप, कितना हो गया, ए है आपको 28.5
इसको ऐसे लिख लीजिए EF is equal to A by root 3. A का मान है 28.5 by square root 3. इसको आप एफ ले लीजिए. चलिए इसमें आइए. इस टाइम 30 degree, 10 30 degree is equal to perpendicular A. और ये हो गया D. इसमें होता है 1 by square root 3 is equal to 28.9 by D. ठीक है, तो वहाँ आपको हो गया D. D मिल गया, D हो गया 28.9 root 3. ये हो गया इक्वेशन 2. ठीक है, दो इक्वेशन आपको मिल गया डे. तो अब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. देखिए ये है जी और ये है डी. तो अगर आप डी में ईएफ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको डीएफ मिल जाएगा. वही तो आपको कैलकुलेट करना है. तो आप ऐसा कीजिए, फ्रॉम 2 minus 1, फ्रॉम 2 minus 1 दोनों को घटाए. देखिए डी माइनस ईएफ, डी माइनस ईएफ, डी का वैल्यू 28.5 है और वाई रूट 3 स्क्वायर रूट 3 है और ईएफ का मान डीएफ ईएफ डीएफ डी हो गया आपका ये 8.5 इंटू स्क्वायर रूट 3 और माइनस यहाँ हो गया आपका 28.5 स्क्वायर रूट 3. ठीक है, अब इसका कॉमन आप कर लो 28.5. अरे यहाँ हो गया आपका ऐसे ही -1. -1 by √3 ठीक है. आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और ये होगा 28.5. इसको जैसे एनालाइज करिए, यहाँ 2 आएगा, स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा. 3 ठीक है, ये आपका कट जाएगा, कैंसिल होगा, काटिए इसको. नाइन पॉइंट फाइव इंटू टू इंटू थ्री. चल यही आंसर हो गया.
Dr. Sir. इतना क्वेश्चन आप से आप पूरा कर साइज सॉल्व कर सकते हो और अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे तो बताएंगे ठीक है बाय